हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th. दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर. सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक फंक्शन एज अ रिलेशन. ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन का कैसे कनेक्शन होता है रिलेशन से? मींस आपके पास, मैंने फर्स्टली आपको रिलेशन बताया था. रिलेशन से पहले, सबसे पहले रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता दी. देखो, सबसे फर्स्टली हमने डिफाइन करा था कुछ चीज़ें. मैंने आपको पहले सेट बताया था कि सेट क्या होता है. ठीक है, पहला हमारे पास सेट था. सेट के बाद मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि दो सेट से मिलके आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, इसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करा था. ओके, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम आए थे. कार्टेशियन प्रोडक्ट किन दो किन के बीच निकाला जाता है? हमेशा दो सेट्स के बीच में, टू सेट्स के बीच में हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने जो फाइंड आउट करा था, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच हमने सम रिलेशन फाइंड करा. मींस हमने पर्टिकुलर एक रिलेशन दिया कि अगर उसमें कुछ ऐसी कंडीशन बना दी जाए, कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर लिया जाए जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट के बीच कुछ ऐसा कनेक्शन हो कि उनके बीच हमने पर्टिकुलर एक जैसे रिलेशन डिफाइन कर दिया था कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज़ मोर देन वाई बाय वन. वन से मतलब वाई से वो वन मोर ज़्यादा होगा. तो इस स्टेप के हमने कुछ रिलेशन फाइंड आउट करे थे. तो उससे हमारे पास क्या, किसकी डेफिनेशन आई थी? रिलेशन की. तो उसके रिगार्डिंग हमने रिलेशन की भी वीडियो बना दी है. कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, सेट्स मैंने आपको बता दिया. तो अब हम बात करेंगे फंक्शन की, कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मैथमेटिकली फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, कैसे उसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस करते हैं. बट अभी इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगी कि फंक्शन का रिलेशन से कैसे कनेक्शन है. फंक्शन और मतलब रिलेशन से ही आपके पास फंक्शन निकलता है. ठीक है ना, रिलेशन से ही आपके पास फंक्शन फाइंड आउट होता है. तो फंक्शन क्या होता है? जब आपका रिलेशन हुआ तो उस रिलेशन में ही आपके पास फंक्शन होता है. ओके, ठीक है ना. इसकी डेफिनेशन से हम आपको ये बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं. जो भी हमने अभी तक अपनी पुरानी वीडियोस में देखा था, मैंने आपको रिलेशन के रिगार्डिंग बताया था कि अगर हमारे पास सपोज टू सेट्स है, ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू 4, 5 एंड 6. हमारे पास एक ये दो आपके पास सेट्स आपको गिवन होते हैं. अब मैंने आपको बोला कि एक रिलेशन है सेट ए टू सेट बी. इसे क्या रीड करते हैं हम? अ रिलेशन इज सेट ए टू सेट बी. एक रिलेशन डिफाइन है सेट ए से बी में. अब वो रिलेशन क्या डिफाइन है? फर्स्टली मैंने जो फर्स्ट रिलेशन को नेम दिया, मैंने आर वन बोले, इसके पार्ट्स बना दिए कुछ. इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला कि एक्स और वाई आपके पास दो ऑर्डर पेयर है. एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एलिमेंट्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी एलिमेंट्स. वाई सेट बी के एलिमेंट को बिलोंग करता है और एक्स आपके पास सेट ए के एलिमेंट को बिलोंग करता है. एक्स और वाई आपके पास दो ऐसे ऑर्डर पेयर है जिसमें जो ये वाई होता है, मैंने आपको एक रिलेशन फर्स्ट आपके पास मैंने बोला था वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स. ये पर्टिकुलर रिलेशन की डेफिनेशन नहीं है. ये हमने एक रिलेशन किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर एक डेफिनेशन निकाली और वहाँ से उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन फाइंड किए थे. मैंने बोला वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स. ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. अब इस रिलेशन को हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से चूज़ करना. अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हम तो अभी हमने निकाले नहीं है. तो सबसे पहले हम यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इन दो सेट्स का जो कि इस रिलेशन आर के अंदर आते हैं. और इस रिलेशन आर में मैंने सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पुट करा है कि आपने एक रिलेशन में वो सारे अपने आपने उस रिलेशन को प्रॉपर उसका जो आपका फॉर्मेट है वो ये है कि उसमें आपने वो एलिमेंट लेने हैं, वो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे, वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जो आपके पास वाई, जिसमें आपके पास वाई ग्रेटर हो एक्स से. ठीक है, ये हमने कंडीशन एक प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी उस इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में. अब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं. तो ए क्रॉस बी हमें क्या मिलेगा? आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हर एलिमेंट सेट बी ए का सारे एलिमेंट बी के ईच एलिमेंट से अटैच होता है और उसके संग ऑर्डर पेयर जनरेट करता है. तो वन पहले फोर से बनाएगा, देन आपके पास सेकेंड हो जाएगा 1.5 एंड 1.6. सिर्फ फिर आपके पास 2.4 देन 2.5 एंड 2.6. लास्ट हमारे पास
जो 3 के लिए बनेगा, ऑर्डर पे 3,4, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं। 3,4, 3,5 एंड 3,6, दीज आर द ऑर्डर पेयर्स ऑफ अवर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब मैंने रिलेशन बोला, ये कुछ रिलेशन ऐसे बताया था। अब मैं देखो, मैं इनिशियली आपको शुरू स्टार्टिंग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी में से आपको बताऊँगी कि एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। आप उसकी जो बेसिक, जो उसकी कहते हैं ना बेसिक कंसेप्ट जो होता है, अगर वो जान जाओगे तो उसका जो मैथमेटिकली जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो आपको डेफिनेशन लिखा है वो तो फिर आपको पास क्विकली आपको इजीली आपको आ जाएगा। बट आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डीपली नॉलेज होगी तो वो आपके लिए आपके कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर करता है। ठीक है, अब हमने देखो R1 ने बोला, हमने R1 एक रिलेशन ऐसा बनाया कि जिसमें मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिसमें वाई ग्रेटर हो एक्स से। वाई इज बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि आपके पास ये एक्स होता है, ये वाई, ये एक्स वाई, इस तरह के मैंने आपके पास एक्स वाई सारे ऑर्डर पे बना दिए। अब वाई किस में ग्रेटर है एक्स से, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 4 आपका 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, 6 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, एंड सो ऑन, सारे वाई आपके पास एक्स से बड़े हुए हैं। लेकिन सेकेंड एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट से हर ऑर्डर पेयर का ग्रेटर है। तो इस केस में R1 में हमारे पास ये सारे सेट आ गए, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर छूटा ही नहीं हमारे पास, है ना। सारे एलिमेंट्स हमारे पास हमने R1 के अंदर ले लिए। ठीक है, ये तो ये हमारे पास था R1 एक रिलेशन। सपोज अगर आप कोई अपनी मर्जी से कोई और रिलेशन भी बना जनरेट कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि आपने एक R2 रिलेशन ऐसे बनाया कि उसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर में आपके पास वाई जो हो वो एक्स प्लस 1 हो, मीन्स एक्स की जो वैल्यू उसमें 1 प्लस करके जितना आएगा वो आपको वाई मिल जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन मैंने R2 जनरेट करा। तो R2 के अकॉर्डिंग आपके हमारे पास क्या था, आपको बस एक्स की वैल्यू देखनी है। एक्स की वैल्यू यानी कि सेट ए के एलिमेंट, सेट ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास एक्स होगा 1। जब आप एक्स 1 रखते हैं, सपोज आपने यहाँ 1 रखा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो वाई कितना मिल जाता है आपके पास 2। देन हमने एक्स की जगह ये 2 पुट करा, यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 इज वाई, वाई कितना मिल जाएगा आपके पास 3, तो 2,3। देन आपने जब एक्स 3 पुट करा, 3 प्लस 1 इज 4, एक्स को 3 पुट करने में वाई कितना आ रहा है आपके पास 4। ठीक है, तो R2 रिलेशन कह रहा है कि मैं सिर्फ इतने ही ऑर्डर पे लूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे रिलेशन में आपको डेफिनेशन ये दे रखी है, ये जो आपके पास ये फॉर्म दी है, ये फॉर्म ऐसे दी है, सेट बिल्डर फॉर्म इसको हम बोलते हैं, ये प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज फॉर्म है तो उसको हम सेट बिल्डर बोलेंगे। ये जो फॉर्म आपको दी है उसमें आपने उन्हीं एलिमेंट्स की एंट्री करनी है जो आपके पास प्रॉपर इस स्टेटमेंट में बोल रहा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो R2 रिलेशन ने क्या करा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ इन एलिमेंट्स को लिया। अब हम ये देखेंगे, अब ये तो बात हुई थी रिलेशन की, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रिलेशन का कनेक्शन फंक्शन से कैसे होता है, रिलेशन फंक्शन से कैसे कनेक्टेड होता है। एक्चुअली जो रिलेशन है वही आपके पास फंक्शन होता है। हर रिलेशन आपके पास क्या होता है, फंक्शन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन आपके पास रिलेशन हो। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन की प्रॉपर क्या डेफिनेशन होती है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा रिलेशन से जो कनेक्टेड है वो बताऊंगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ रिलेशन, ये हमने मैंने आपको बताया फंक्शन, फंक्शन एक्चुअल में आपके पास उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, आपके पास फंक्शन क्या होता है। अभी तक तो हमने रिलेशन की बात करी थी, ठीक है, अब रिलेशन कैसे कनेक्टेड है फंक्शन से वो मैं आपको बताऊंगी। ऑफ अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is said to be a function, okay, if every element, if every element of
सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये हमारा फंक्शन बोलता है। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन बोलता है कि मैं तभी फंक्शन होगा जब मेरे सेट, मतलब क्या है, सेट ए के जो एलिमेंट ए, जो सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए के जो हर एक एलिमेंट है, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर उसकी सिर्फ एक इमेज होगी सेट बी में, मीन्स आपके पास, सपोज़ आप एक शॉप में गए, ठीक है, एक शॉप में आप गए, आपने आपने कुछ ख़रीदा, सपोज़ आपने एक टॉफ़ी ख़रीदी, सेम आपने उसी ब्रांड की या उसी मतलब कंपनी की, आप कह सकते हो कि आपने टॉफ़ी कह लो या उस ब्रांड का प्रॉपर कोई, अपने आपने कोई एक प्रॉपर कोई क्लोथ ख़रीदा, तो आप अगर एक शॉप से सेम वही ला रहे हो और दूसरी शॉप से भी अगर आप सेम वही लेके आ जाते हो, तो इट मीन्स वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। वो उस उन दोनों का आपका मतलब कहने का मतलब वो यूज़लेस है आपके पास। एक ही टाइप की दो चीज़ें आप आपके पास अगर आ जाएंगी तो वो आपके काम की नहीं होती ना। तो सिमिलरली फंक्शन भी ये कह रहा है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी। सेट ए की सेट बी से जो इमेज होनी चाहिए वो सिर्फ एक और एक ही होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए आर वन भी उतार लिया, आर टू भी उतार लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब मैं इसका डायग्रामेटिकली आपको दोनों का ग्राफ बताऊंगी। देखिए डायग्रामेटिकली हम देखते हैं, आपके पास सेट ए ये है और एक सेट बी है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आर वन। अब क्लियरली आपको दिख जाएगा कि कौन फंक्शन बन रहा है और कौन फंक्शन आपके पास नहीं बन रहा है। मैंने सेट फॉर आर टू के लिए भी कर दिया, मीन्स रिलेशन आपके पास जो आर टू था हमने निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, हमने दोनों के लिए सेट जनरेट कर दिए। ओके, अब सेट में ए में आपके पास एलिमेंट इस तरीके से है, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट ऐसे है। अब आर वन क्या कहता है? आर वन बोलता है कि जो आर वन मैपिंग जो होगी इन ऑर्डर पेयर की, वन की फोर के साथ होगी। ओके, वन की फोर के साथ हुई, वन आपके पास फाइव से भी कनेक्टेड है, वन आपके पास सिक्स से भी कनेक्टेड है, देन आपके पास ये वन का तीनों से हो गया। अब हम बात करते हैं टू की, टू आपके पास ये जो टू एलिमेंट है फोर से कनेक्टेड है, टू फाइव से भी कनेक्टेड है देखिए, और टू आपके पास सिक्स से भी कनेक्टेड है, ये आपके पास हो गया टू। देन हम थ्री की बात करें तो देखिए आपके पास थ्री आपके पास फोर से कनेक्टेड है, थ्री फाइव से भी है और थ्री सिक्स से भी। मीन्स आपके पास ये वन की तीन इमेज है, वन फोर के साथ भी कनेक्ट है, वन फाइव से भी कनेक्ट है, वन सिक्स से इमेज है। इट मीन्स आपको एक जो वन है उसकी तीन इमेजेस मिल रही है, टू की भी आपको थ्री इमेजेस मिल रही हैं आपको दिख रहा है, और थ्री की भी आपके पास थ्री थ्री इमेजेस आपकी आ रही हैं। तो इट मीन्स इस केस में मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको बता दिया कि एक ही इमेज होनी चाहिए, तो इस केस में इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, अब हम आते सेट, हमें बस एक एग्जांपल के थ्रू समझना था, अदरवाइज आप बहुत सारे रिलेशन में फंक्शन है या नहीं ये आप इसको देख सकते हैं। सेट आर टू की अगर हम बात करें, सेट ए में पहले आप एलिमेंट उतारेंगे, देन सेट बी के आप एलिमेंट उतारेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जो सेट ए में सेट ए का जो सेट ए में वन टू थ्री है एंड बी में फोर फाइव सिक्स है, वन आपके पास फोर से कनेक्टेड है, टू आपके पास फाइव से कनेक्टेड है एंड थ्री आपके पास सिक्स से कनेक्टेड है। ओके, बस अब एंड हो गया, देखो वन फोर टू फोर एंड थ्री सिक्स कनेक्टेड हो गया सारा इमेज आपके पास। इजीली आपको प्रॉपर दिख रही है कि हर एक एलिमेंट अपनी अपनी एक इमेज बना रहा है और उसकी दो इमेजेस नहीं हैं। तो इस केस में आप ये बोल सकते हो कि दिस इज़ अ फंक्शन। इन दिस केस वी हैव टू से दैट इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, तो इस डेफिनेशन को आप प्रॉपरली उतार सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम एक इसकी फर्दर एक और डेफिनेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग भी जज कर सकते हो कि ये फंक्शन है नहीं। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारा, जो हम प्रॉपर हमें अगर पूछा जाएगा कि फंक्शन है कि नहीं। अभी इसकी एक और हमारी बुक में डेफिनेशन और गिवन है, तो वो मैं आपको बताती हूँ।
अकॉर्डिंग टू बुक आपके पास सेकेंड डेफिनेशन जो हमारे पास है, वी कैन से दैट अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स. मीन्स आपसे ये बोला है कि आपने, मतलब इसको ओवरऑल शॉर्ट में मैं आपको कह सकती हूँ कि आपने इन दो कंडीशंस को फुलफिल करना है. इन दो कंडीशनों का ही हमने ये डेफिनेशन बना रखा है अकॉर्डिंग टू बुक, कि आपने दो कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है, डोमेन इक्वल्स टू सेट ए, ठीक है, डोमेन मतलब जिसकी भी आपकी जिसके रिगार्डिंग आपसे पूछा है उसका डोमेन अगर सेट ए को बिलोंग कर जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन. एंड ये फंक्शन तब होगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी. एंड द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब दो डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑर्डर पेयर जो आपको गिवन होंगे हैव द सेम, मतलब हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. नो ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम एलिमेंट, मतलब आपके पास सपोज कोई दो ऑर्डर पेयर गिवन है हमारे पास, मैं ये कह लूँ 1,4 एंड 1,5, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है, वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो उस केस में आपके पास ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है. तो आपके पास अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इट मीन्स वो फंक्शन है, अदरवाइज इट इज़ नॉट. तो हम एग्जांपल देखते हैं. तो हमारे पास सपोज हम अगर R2 एग्जांपल से ले, R2 हमारे पास जो एग्जांपल था वो क्या था, क्या निकला था हमारे पास, 1,4,2,5 and 3,6, आप देख सकते हैं, ठीक है, 1,2,1,4 R2 रिलेशन हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ था, हमारे पास ये हुआ था ना 1,4,2,1,5 एंड आपके पास क्या था 1,4,2,2,5 and 3,6. जो हमारे पास सेट ए था वो 1,2,3 था एंड बी हमारे पास 4,5,6 था एंड R2 में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे 1,4,2,5 and 3,6 थे. ये हमारे पास R2 रिलेशन निकल के आया था. अब देखो ये फंक्शन है नहीं, सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास डोमेन सेट ए के इक्वल होना चाहिए, यानी कि डोमेन किसको बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ, मतलब आपका हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1,2,3, ये 1,2,3 है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो कि आपके इक्वल होना चाहिए सेट ए ए से. सेट ए के आपके पास 1,2,3 विच इज़ डोमेन इज इक्वल टू सेट ए. ओके, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई. सेकंड कंडीशन मैंने बोला नंबर ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम, नो नंबर ऑफ नहीं, नो नोट ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट. दो ऑर्डर पेयर की कभी भी सेम आपके पास इमेज नहीं होनी चाहिए. आपको दिख रहा है देखो यहाँ 1 है एक ऑर्डर पेयर, दूसरे ऑर्डर पेयर 2 है, इन दोनों की जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट है, तो इट मीन्स आपके पास सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी, फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल होगी, तो इट मीन्स वी हैव टू से दैट दिस इज़ द फंक्शन. ओके, अब अगर हम R1 की बात करेंगे तो R1 में आपके पास पता है कि एक 1 की ही इमेज तीन तीन हमारी आई है, तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा आपके पास. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ. सपोज आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 3,4,5, और यहाँ पे आपके पास एक ओनली 1 एलिमेंट है. अगर ये आपके पास तीनों, इसकी इमेज तीन है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा. अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, सपोज मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँ, ठीक है, 3,4,5 एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 1, आई बस में. तो अगर मैं आपसे बोलूँ इस वन की जो आपके पास ये 3 है, आपके पास ये जो एलिमेंट है, इस केस में 3 की अगर 1 इमेज है, 4 की 1 है एंड 5 की 1 है. देखो दोनों में कभी कभार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें कि दोनों में डिफरेंस क्या है. मैंने बोला एक एलिमेंट सेट ए का के 3 आपके पास उसकी इमेजेस नहीं हो सकती, तो फंक्शन नहीं होगा. बट यहाँ पर क्या है कि तीनों एलिमेंट आपके पास, ये 3 एलिमेंट्स मैंने गिवन है, इन तीनों की आपके पास इसकी 3 की 1 अपनी सिंगल एक इमेज है,
है ना, 3 1 से कनेक्टेड है, पर 3 फर्दर किसी और से तो कनेक्टेड नहीं है ना। देन हमने 4 की बात करी, 4 का 3 से कोई लिंक नहीं है, 4 भी 1 से कनेक्टेड है और 5 भी 1 से कनेक्टेड है, तो ये आपके पास फंक्शन होगा। तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि इनकी तो हमारी एक ही इमेज है। अगर इनकी एक इमेज है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर ये सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है जो अपने आप में 3 से अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड था, तो ये फंक्शन नहीं था। बट यहाँ पर अगर ये तीनों एलिमेंट एक से कनेक्टेड है तो ये तीनों एलिमेंट है भी तो डिफरेंट। 3 आपके पास 1 से इमेज बना रहा है, ठीक है, 4 ने भी 1 से बना दी, 5 ने भी 1 से बना दी, तो यहाँ पर इस केस में ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए बताया, ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें मेनी टाइम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब हम फंक्शन को प्रॉपरली कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको लिखते बताते हैं। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, ओके, देन वी राइट, हम इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एफ कोई फंक्शन है सेट ए से बी में, तो वी कैन राइट लाइक दिस, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए, दोनों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे वो शो करा हो फंक्शन या ऐसे शो करा हो, तो उससे कन्फ्यूज़ हमें नहीं होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज़ मैंने बोला ए बी बिलोंग्स टू एफ, अगर ये दो एलिमेंट्स किसी फंक्शन को बिलोंग करते हैं, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी मीन्स इस एफ ए की जो इमेज है वो क्या है, बी है, यानी कि आपके पास ये पार्ट हो गया आपके पास डोमेन, है ना, ये डोमेन होता है आपके पास, और सेकंड जो आपके पास होता है वो बी सेट का एलिमेंट होता है ना, वो आपके पास आप उसको प्रॉपर बोल सकते हो कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी आपने जो बोला, तो यहाँ पे आप जो उसको बोलोगे बी इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, आप क्या बोलोगे, बी इज़, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस प्रीवियस वीडियो में, बी इज़ कॉल्ड द इमेज, बी आपकी इमेज है ऑफ ए किसके किसके अंडर, अंडर अ फंक्शन एफ, जो ये फंक्शन हमने डिफाइन करा है, ओके, एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज, ए उसकी क्या है, प्री इमेज है ऑफ बी, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, अंडर एफ मतलब इस फंक्शन के मतलब अंडर, ओके। तो ये हमने प्रॉपर एक थोड़ा सा मैंने बताया कि आप कैसे फंक्शन को लिखते हो, कभी आपके पास ये इस तरीके से क्वेश्चन में बहुत दिया जाता है एफ ए इक्वल्स टू बी, तो उसको कैसे हम रीड करते हैं, वो क्या एक्चुअल में ये क्या हमें बोलता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है।